हेलो फ्रेंड्स, मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स का पॉज बंद हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनो, पॉज मतलब स्टॉप। जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो इसे कहा जाता है मेनोपॉज और हिंदी में इसे कहते हैं रजोनिवृत्ति। मेनोपॉज हर फीमेल की लाइफ का एक अहम हिस्सा है, एक हमारी लाइफ साइकिल का हिस्सा है। जैसे ही एक लेडी पैदा होती है उसे अपनी लाइफ टाइम में कितने एग्स बनाने होते हैं, लाखों में वो एग स्टोर्ड रूप में ओवरीज में रहते हैं और धीरे धीरे हर मंथ उसी स्टोर में से हम लोग एग्स कंज्यूम करते चले जाते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है जब हर फीमेल की ओवरीज में एग बनने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, उसके कुछ सालों के बाद मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, हर लेडी की लाइफ में होता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई कुछ परेशानियां हैं, कुछ मिथ है जिसके चलते कभी कभी ये एक नेचुरल फेज ऑफ लाइफ थोड़ा सा तकलीफ दे या ट्रॉमेटिक हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज 40 ईयर्स से लेकर के 55 ईयर्स के बीच में कभी भी आ सकता है। इंडियन फीमेल्स की अगर हम बात करें तो भारत में एवरेज एज मेनोपॉज की है 46 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि सबको 46 इयर्स में मेनोपॉज आ जाएगा, किसी को 40 में भी आ सकता है, किसी को 50 में, किसी को 55 तक भी पीरियड्स कंटिन्यू रह सकते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज, हार्डली 1-2% फीमेल्स ऐसी भी रहेंगी जिनमें पीरियड्स 40 से पहले भी बंद हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं प्री मेच्योर मेनोपॉज, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है। और कभी कभी 55 इयर्स के बाद भी पीरियड कंटिन्यू रहते हैं तो इसे हम बोलते हैं डिलेड मेनोपॉज। अगर हम बात करें कि मेनोपॉज कितने तरीके का होता है तो हम इसको ब्रॉडली दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है नेचुरल मेनोपॉज, एक होता है आर्टिफिशियल मेनोपॉज। नेचुरल मेनोपॉज तब होता है, हम उसे तब नेचुरल मानते हैं जब ओवरीज में एग्स कम होने की जो प्रक्रिया है वो नेचुरली होती है। हम उसका इस्तेमाल करते चले जाते हैं हर महीने और धीरे धीरे वो एग्स का कम होना और ओवरीज के रिजर्व्स का ख़त्म होना तय है। और इसके बाद जब मेनोपॉज आता है उसे नेचुरल मेनोपॉज बोलते हैं। लेकिन कभी किसी कारणों की वजह से ओवरीज के एग बनाने की कैपेसिटी टाइम से पहले ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अगर ओवरीज में कोई बड़े सिस्ट है, ट्यूमर है, उसकी वजह से कोई सर्जरी करी गई है या ओवरी को निकाल दिया गया है, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ओवरीज में बहुत बड़ी खून की गांठें बन गई हैं, या कोई कैंसर्स की वजह से रेडिएशन या कीमोथेरेपी ली गई है, उन सब वजहों के कारण ओवरीज में एग बनने की कैपेसिटी समय से पहले कम हो जाती है, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है। इस वजह से जब मेनोपॉज आता है तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेनोपॉज, यानी कि एक कुदरती प्रक्रिया नहीं थी, किसी कारण की वजह से ओवरीज के फंक्शन समय से पहले सीज यानी कि ख़त्म हो गए हैं और उस वजह से मेनोपॉज आ गया। आखिर ये मेनोपॉज होता क्यों है? जैसे कि हमने बात किया कि ओवरीज में हर मंथ एग्स रिलीज होते हैं और इसके साथ साथ में हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जिसे हम मेनली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स बोलते हैं। ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स बच्चेदानी के अंदर में एक परत तैयार करता है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और ये परत जैसे जैसे तैयार होती है बच्चेदानी गर्भ ठहरने के लिए तैयार होती चली जाती है। अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो ये परत टिकती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से ये लेयर झड़ती है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल शेडिंग, और एंडोमेट्रियल शेडिंग के साथ में ब्लीडिंग होती है जो कि बाहर निकलती है और इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर ओवरीज में ये हार्मोनल प्रोडक्शन रुक जाता है तो ऑब्वियसली यूट्रस के अंदर में जो एंडोमेट्रियम बनने झड़ने की जो प्रक्रिया है ये डिस्टर्ब होती है शुरू में, जिस वजह से पीरियड्स भी गड़बड़ आ सकते हैं कि समय से नहीं आते हैं, क्योंकि जो एगलेस साइकिल है, जैसे जैसे एग्स कम होते चले जा रहे हैं हर महीने एग बनने की प्रक्रिया गड़बड़ हो रही है या एग बन ही नहीं रहे हैं, तो एगलेस साइकिल्स में ये ईस्ट्रोजन लेवल्स भी गड़बड़ हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम की जो परत बनने की प्रक्रिया है वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए पीरियड्स हो सकते हैं, कभी टाइम से पहले आएँ, कभी लेट आएँ। 1-2 साल तक इस तरीके की गड़बड़ चलते चलते अल्टीमेटली हम लोग एक ऐसी स्टेज पर पहुँचते हैं जब
बिल्कुल भी हार्मोनल सप्लाई नहीं होती है और पीरियड्स बंद हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स सिर्फ यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में बच्चा पैदा करने का काम ही नहीं करता है, बल्कि बाकी भी हमारे शरीर में इसके और लक्षण होते हैं। इसलिए जैसे जैसे हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी आनी स्टार्ट होती है, हमारी बॉडी इसको लेकर के उतनी वाकिफ नहीं होती है, उतनी यूज टू नहीं होती है। इसी वजह से मेनोपॉज आने से कुछ सालों पहले हमें कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, हमारी बॉडी हमें एक सिग्नल देना स्टार्ट करती है कि अब हमें यूज टू हो जाना चाहिए कंप्लीट ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के लिए। इन सिम्टम्स को, इन लक्षणों को हम लोग पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स भी बोलते हैं। ये पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स या लक्षण क्या हो सकते हैं? पहला हमने बताया कि आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी जल्दी कभी लेट, और धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने में पीरियड्स आएगा, और अल्टीमेटली जब साल भर तक भी पीरियड नहीं आता है तो उसे हम मेनोपॉज नाम दे देते हैं। इसी की वजह से पेरीमेनोपॉजल फेज में कुछ वेजोमोटर सिम्टम्स भी आते हैं। वेजोमोटर लक्षण बड़े परेशानी वाले होते हैं और अक्सर इसी वजह से हमें मेनोपॉज से डर लगता है और हम इसके लिए डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं। आपको एकदम से गर्मी लगना स्टार्ट हो सकती है, ऐसा लगता है कि एकदम तेज़ गर्म लहर या एकदम गर्म पानी आपके अंदर में दौड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरा चेहरा रेड हो जाता है। कभी आपको एकदम गर्मी लगती है तो कभी एकदम ठंडी लगनी स्टार्ट हो जाती है। पसीना, खासकर रात में सोते टाइम पसीना बहुत आता है, और अक्सर मैंने देखा है लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब मैं रात को सोती हूँ तो कई बार इतना पसीना आ जाता है कि मेरे कपड़े तक गीले हो जाते हैं, मुझे इतनी गर्मी लगती है कि मुझे रात में उठ उठ करके कई बार शावर भी लेना पड़ता है, नहाना पड़ता है। तो वेजोमोटर सिम्टम्स भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी बॉडी यूज टू होने लगती है कुछ टाइम के बाद, किसी में कुछ महीनों में तो किसी में साल दो साल में, ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं और हमारी बॉडी कम्प्लीटली यूज टू हो जाती है। वो फीमेल्स जिनका बॉडी वेट ठीक रहता है, जो रेगुलर एक्सरसाइजेस करती हैं, डाइट का अपना ध्यान रखती हैं, अपने आप को बिजी रखती हैं, उनमें ये लक्षण थोड़े कम पाए जाते हैं और अडाप्शन भी अच्छा होता है, इसलिए उनको ये सब परेशानियाँ नहीं होती हैं। अदरवाइज़ किसी को कम तो किसी को ज़्यादा ये थोड़े बहुत लक्षण दिखाई देते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके मूड में भी फ्लक्चुएशन आ सकता है, चिड़चिड़ाहट होना, गुस्सा होना, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना, कभी आप एकदम ठीक हैं, कभी बिना किसी वजह के आप किसी पे गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, चिड़चिड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, नींद की कमी होना, ये सब पेरीमेनोपॉजल एज के सिम्टम्स हैं। और अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इन सब चीज़ों से हम मुक्ति पा सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस के चलते हमारी मसल्स भी वीक होती हैं, खासकर हमारे पेल्विक फ्लोर की मसल्स। इस वजह से बच्चेदानी को सपोर्ट करने वाली मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, तो बच्चेदानी का नीचे गिरना जिसे बोलते हैं प्रोलैप्स, वो भी इस एज में कॉमन समस्या है। या वो सपोर्ट जिसमें बच्चेदानी के आगे जब पेशाब की थैली रहती है उसका सपोर्ट भी जब कमज़ोर हो जाता है, तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस यानी कि बाथरूम करने में परेशानी होना, उसका लीक हो जाना, आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, या ज़रा सा भी खांसते हैं या ज़ोर से हंसते हैं तो तुरंत यूरिन लीक हो जाता है, इनकॉन्टिनेंसेस को हम बोलते हैं, इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। तो ये मेनोपॉज की नॉर्मल बॉडी चेंजेस हैं, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, इसे समझना चाहिए। और ख़ासकर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि फैमिली मेम्बर्स, हस्बैंड्स, बच्चे, उनको ये जानना चाहिए कि ये लाइफ का एक नेचुरल प्रोसेस है और हमें अपनी मदर को इस फेज़ में सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट मोटिवेट करिए कि वो अपना ध्यान दें, रेगुलर डाइट पे अच्छे से रहें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, तो हम इस फेज़ को भी ईजिली निकाल सकते हैं।